हेलो फ्रेंड्स, आइए हम पुरानी ऊन को बिल्कुल नया बनाने का तरीका आपको बताते हैं। मैंने एक पुराना स्वेटर उधेड़ा है और उसमें से ये ऊन निकाली है और ये देखिए ऊन में बहुत सारे रिंकल्स हैं। तो मैंने पहले एक गोला बनाया, गोला बनाने के बाद ऊन की लच्छी बनाई है और ये देखिए इसमें कितने सारे रिंकल्स हैं। इस ऊन को मैं एकदम रिंकल फ्री बनाऊंगी और ऐसा लगेगा जैसे आपने बिल्कुल नई ऊन बाज़ार से ख़रीदी है। ये मैंने दो लच्छी बनाई हैं। अब हम इनको सीधा करने का तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक भगोने में आधा भगोना पानी लिया है और उसको गैस पर उबाल लिया है, और जब इसमें उबाल आने लगा है तब हम इस पर एक चलनी रख देंगे, और चलनी रखने के बाद इस पर हम ऊन की लच्छी रखेंगे, और लच्छी रखने के बाद हम इसको धीरे धीरे उलटते पुलटते रहेंगे। उलटने पुलटने से जहाँ जहाँ लच्छी पर भाप लगेगी वहाँ ये ऊन सीधी होना शुरू हो जाएगी। देखिए ऊन सीधा होना शुरू हो रही है और ये एकदम सॉफ्ट भी हो जाएगी। देखिए ऊन थोड़ी सी सीधी होने लगी है, तो मैंने ऐसे पूरी ऊन को इसी तरह से सीधा किया है और ये देखिए पूरी सीधी हो गई है। तो जहाँ जहाँ भी हमें रिंकल्स लग रहे हैं उस साइड से हमें ऊन को चलनी पर रख देना, जिससे इसमें जो भाप नीचे से आए उससे ये ऊन एकदम सीधी हो जाए। तो इसको मैंने 4 से 5 मिनट उलट पुलट करके इसको सीधा किया है, और सीधा होने के बाद ये एकदम सॉफ्ट भी हो गई और ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल नई ऊन है, लग ही नहीं रहा कि ये पुरानी ऊन है। थोड़ी सी मुझे और लग रहा है कि इसमें रिंकल्स हैं, तो मैं इसको थोड़ी सी देर इसको और उलट पुलट कर चलनी पर रखूँगी। देखिए पूरी सीधी हो गई है ऊन, और इसको हम जो है चलनी से बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद देखिए कितनी अच्छे से ये एकदम सीधी हो गई है और लग ही नहीं रहा कि इसमें इतने सारे रिंकल्स होंगे। देखिए पूरी सीधी हो गई, और अब आप देखिए पुरानी ऊन देखिए और ये जो मैंने इसको भाप से सीधा किया ये ऊन देखिए, एक एक ऊन बिल्कुल सीधी हो गई है, लाइन पूरी सीधी दिख रही है और ये इस तरह से इतनी अच्छी हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि बाज़ार से हमने अभी अभी ख़रीदी है, और इसका स्वेटर भी बहुत अच्छा बनेगा। देखिए पुरानी ऊन और भाप देने के बाद ऊन कितना अंतर आ गया दोनों ऊन में। तो इस तरह से आप अपनी ऊन को सीधा करिए, बड़े ऐसे स्वेटर बनाइए। थैंक यू। मेरी वीडियो कैसी लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।